नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूँ पूजा रघुवीर, आपके साथ न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी खबरों पर, बात करेंगे राजनीति की। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बुधवार को संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने सागर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खुरई में हुई भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प मामले को लेकर पुलिस को हिदायत दी थी। उन्होंने मंच से कहा था कि पुलिस वाले सुन ले, अपनी वर्दी की इज्जत करें, हमारा भी समय आएगा, सबसे हिसाब लिया जाएगा। पुलिस की वर्दी पहन रखी है लेकिन जेब में तो भाजपा का फूल खिल रहा है। कान खोलकर सुन लें, आपने शपथ ली है, वर्दी का सम्मान करें, राजनीति का शिकार मत बनिए, हमारा समय आने वाला है, कुरई के लोग भी समझ ले, आपके पीछे कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ है। ये बात कमलनाथ ने सागर में कही। वहीं इसी के चलते गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी, आपका सागर का बयान सुना है, पुलिस को आप धमका रहे हैं, बार बार ये मत कहो कि हमारा राज आएगा, आपका राज आया तो आपने धोखा दिया और झूठ बोला, हमारी पुलिस आमजन के लिए निष्पक्षता के साथ काम कर रही है, आप खुद भी तो पुलिस की सुरक्षा में रहते हो और उन्हें गालियां देते हो। तो इस तरह से राजनीति में वार पलटवार का जो दौर है वो लगातार चलता ही रहता है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर पर। राजधानी भोपाल के उपनगर कोलार में कलियासोत नदी पर करीब 6 करोड़ रुपए से ब्रिज बनकर तैयार है। पावर ब्लॉक और लाइटिंग का काम पूरा होते ही ब्रिज आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। संभवतः मार्च में ब्रिज से ट्रैफिक की शुरुआत कर दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। वहीं इसके बाद कोलार के मेन रोड से करीब 30% ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। जेके हॉस्पिटल के पास कलियासोत नदी पर ब्रिज का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं अप्रोच रोड बनने, पावर लॉक और लाइटिंग लगाने का कुछ काम बाकी है जो अभी चल रहा है। इसके बाद ब्रिज से ट्रैफिक शुरू होगा। हालांकि नवंबर में इसे पूरा करने की तैयारी थी लेकिन अप्रोच रोड व कुछ अन्य खामियों के कारण ब्रिज का लोकार्पण नहीं हो पाया था। वहीं 16 महीने में ये पूरा होना था लेकिन ये नहीं हो पाया। वहीं ब्रिज के निर्माण की शुरुआत मार्च 2019 में हुई थी और इसे 16 महीने में बन जाना था लेकिन जो है जुलाई 2020 तक ब्रिज से ट्रैफिक शुरू भी होना था लेकिन लॉकडाउन की वजह से ब्रिज का काम नहीं हो सका। वहीं 2021 में कोरोना संक्रमण के कारण भी ये काम नहीं हो पाया। इससे प्रोजेक्ट करीब 2 साल लेट हो गया लेकिन अब ये जो है पटरी पर आ चुका है। भोपाल का ये प्रोजेक्ट जल्द ही ये ब्रिज बनकर तैयार होगा। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट नर्मदापुरम में तैयार किया जा रहा है। आने वाले 6 से 7 महीने के भीतर ये तैयार हो जाएगा। यहाँ पर 200 कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। वहीं इस प्लांट से रोज़ाना 200 टन लिक्विड ऑक्सीजन तैयार होगी। इसमें से 150 टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों में सप्लाई हो सकेगी। वहीं शेष 50 टन नाइट्रोजन गैस और ऑर्गन गैस का प्रतिदिन का प्रोडक्शन हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य सरकार ने नर्मदापुरम के मोहासा बाबई में कोरोना की दूसरी लहर में 11 एकड़ ज़मीन इनॉक्स एयर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड को दी थी। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में करीब 150 रुपये खर्च होंगे। वहीं दूसरी लहर में प्रदेश में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी तो कई राज्यों ने सप्लाई रोक दी थी जिससे भारी परेशानी भी हुई थी। वहीं भोपाल में दूसरी लहर में 90 से 100 टन ऑक्सीजन स्टोरेज की क्षमता थी, अब यह 300 टन स्टोरेज पर पहुँच गई है। वहीं फिलहाल भोपाल ज़िले में 25 अस्पतालों में PAS प्लांट चालू हो गए हैं। वहीं कलेक्टर अविनाश लावनिया ने बताया कि भोपाल में 25 अस्पतालों में PSA प्लांट चालू हो गए हैं। इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। एक PSA प्लांट से 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेट करता है। भोपाल में कोरोना की दूसरी लहर में रोज़ाना 110 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, अभी सिर्फ जो है 15 से 20 टन ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पड़ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी को देश के शीर्ष 100 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में लाने के साथ ही नेक की A++ ग्रेड की कवायदें अब तेज़ होती नज़र आ रही हैं। वहीं गुरुवार को 8 सदस्यों की टीम ने इसे लेकर एक बैठक की करने वाली है। बैठक में जो है कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय रैंकिंग 2022 के लिए यूनिवर्सिटी श्रेणी में डाटा भी जमा करने वाली है। यूनिवर्सिटी की ग्रेड बढ़ाने और देश के शीर्ष 100 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में लाने के लिए शासन आगे आ चुका है। वहीं शासन ने इसके लिए 12 सदस्यों की
टीम बनाई है जो यूनिवर्सिटी की मदद करेगी। वहीं गुरुवार को इन 12 सदस्यों की टीम में से 8 सदस्य इंदौर आ रहे हैं। दोपहर करीब 12 बजे यूनिवर्सिटी के खंडवा रोड स्थित तक्षशिला परिसर में स्थित EMRC कैंपस में यह बैठक होनी थी जो कि अब तक हो चुकी होगी। वहीं बैठक में ग्रेड और NIRF से जुड़ी कई बातों को लेकर चर्चा भी हो सकती है, साथ ही कई सुझाव भी सामने आ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। MP बोर्ड की 12वीं की परीक्षा गुरुवार से शुरू हो चुकी है। पहला पेपर जो है इंग्लिश का हुआ है। वहीं छात्रों को सुबह 8:30 बजे से केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य था। स्टूडेंट्स दौड़ते भागते हुए एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे। पहला दिन होने पर उन्हें आखिरी वक्त तक एंट्री दी गई। वहीं पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुआ। इस बार 12वीं में 7 लाख से ज़्यादा परीक्षा दे रहे हैं छात्र। इनके अलावा इनके लिए कुल 3,586 केंद्र भी बनाए गए हैं। इसमें 357 केंद्र अति संवेदनशील और 287 संवेदनशील हैं। परीक्षा में कोरोना संक्रमित और इनके लक्षण वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी। सभी सेंटरों पर आइसोलेशन रूम भी बनाए गए हैं। वहीं भोपाल के मॉडल स्कूल फंदा के बजाय कुछ स्टूडेंट्स गलती से मॉडल स्कूल TT नगर पहुंच गए थे। इन्हें भोपाल के DEO नितिन सक्सेना ने अपनी गाड़ी से फंदा स्कूल के एग्ज़ाम सेंटर पर भिजवाया। वहीं MP बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने वाले दिव्यांग या घायल छात्रों को कई तरह की राहत देने का फैसला लिया है। इस दौरान दृष्टिहीन, मानसिक विकलांग और हाथ की हड्डी टूट जाने या हाथ की खराबी के कारण लिखने में असमर्थ छात्रों को ये राहतें मिलेंगी। ऐसे छात्र लिखने के लिए किसी की मदद ले सकते हैं। साथ ही उन्हें विषय चयन, अतिरिक्त समय, परीक्षा शुल्क के साथ छूट भी दी गई है। वहीं कंप्यूटर या टाइप राइटर चयन की सुविधा भी उन्हें दी जाएगी, जो कि विकलांग छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। रुक करते हैं अगली खबर का। राला मंडल अभ्यारण्य में टूरिस्ट को नई सौगात मिलने वाली है। यह पहाड़ी के चारों ओर सफारी चलने के लिए नया ट्रैक बनाया गया है। अभी अभ्यारण्य के चारों ओर 7 किलोमीटर कच्चे रास्ते हैं। वन विभाग ने द्वारा अभ्यारण्य के चारों ओर पर्यटकों के घूमने के लिए सड़क पर सफारी चलाने के लिए तैयारी की थी, लेकिन मार्ग जो है वो पगडंडी नुमा होने के कारण चलना यहाँ मुश्किल था। वहीं 7 महीने से चल रहा था ये काम, जिसमें कि 2021 में इस काम को लेकर प्लान तैयार किया था। वहीं वन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ट्रैक को बनाने का काम तेज़ी से शुरू हो गया है। DFO नरेंद्र पांडवा के मुताबिक होली तक इसे पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। वहीं इसके शुरू होने के बाद पर्यटकों को राला मंडल में गाड़ी में बैठकर मनमोहक नज़ारे देखने को भी मिलेंगे। राला मंडल में वाइल्ड एनिमल्स राला मंडल में बढ़ाने की प्रक्रिया भी चल रही है। अभी यहाँ तेंदुओं की गिनती की जा रही है, जो 1 से 2 महीने में पूरी हो जाएगी। इसके बाद भोपाल और खंडवा के जंगलों से जंगली जानवरों को यहाँ छोड़ा जाएगा। अभी नए मेहमानों में काले हिरण को लेकर भी यहाँ टूरिस्ट काफ़ी खुश है। तो MP के लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है, राला मंडल को जो है और भी सुंदर बनाया जा रहा है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए बने रहे MP न्यूज के साथ। नमस्कार। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।